शहजाद भाई, मुझे थोड़ी ये भी आप अपडेट दें कि आप ही के वो दो बछड़े थे जो लंपी के अंदर आए हुए थे, जी जी और सोशल मीडिया पे आई थिंक उन्हीं की वीडियोस चल रही थी जहाँ तक मैंने देखी थी। मेरे पास भी कुछ एक दो लोगों ने फॉरवर्ड की थी व्हाट्सएप के थ्रू। सही। तो क्या किस तरीके से वो डिज़ीज़ आई थी आपके जानवरों में, कुछ आप बताना चाहेंगे? जी जी, डिज़ीज़ आई थी उस वक्त तो पता ही नहीं था हमें, और हमारे जानवर के अंदर आ चुकी थी। उसके जो पैर है ना, पैर सूजते हैं, उसके पैर से लेके उठती है, फिर वो जिस्म पे दाने निकल जाते हैं इतने बड़े बड़े, तकरीबन दो दो इंच के दाने। उसके बाद इतने हो गए थे, बस जानवर को जो ना 106 से बुखार रहता है। अगर वो बुखार आपने कंट्रोल कर लिया तो जानवर आपका बच जाएगा, और अगर बुखार आप नहीं कर पाए तो जानवर मर जाएगा। ऐसा होता है क्योंकि बुखार कोई भी कंट्रोल नहीं कर पाता। मेडिसिन अगर आप दोगे तो, हमने तो अच्छी ट्रीट की थी उसकी, केयर की थी उसकी, तो जानवर भी हमारे बच गए और डिजीज से निकल भी गए। बिल्कुल यही डिजीज पे आया था। अब ये इसके दाने जो ना तकरीबन ख़त्म हो गए जल के, अब देखें बाल आना भी शुरू हो गए, ब्लैक हो गए पूरे। और ये बछड़ा तकरीबन 8 मन वज़न पे था, 500 केजी लाइफ वेट था इसका, और ये समझ लें एक हफ्ते में इसने जो ना ये इस वजूद पे आ गया है। बहुत ज़्यादा वज़न गिरा दिया, इसकी आँख से पानी, नाक से पानी। बस मैं तो ये सोच रहा था कि इसको कब ज़िबा करवा दूँ, लेकिन ये नौबत आ गई जी, ये नौबत आ गई थी। एक दो जानवर मैंने ये सोचा कि इनको मैं ज़िबा करवा देता हूँ, क्योंकि बाकी लोगों ने, फार्मरों ने भी ज़िबा करवा दिए थे, क्योंकि बाकी बछड़े उनके हो रहे थे ख़राब, तो उसको बचाने के लिए सिर्फ ये करा था। लेकिन मेरा एक दोस्त हैंगे, वो भी ये काम वगैरह करते हैं, उन्होंने मुझे मशवरा दिया कि इसकी आप बेहतर तरीके से ट्रीटमेंट करो, बाकी जो अल्लाह की मर्ज़ी होगी वही होगा। तो हमने इसकी केयर की है, बाकी ये बछड़ा अल्हम्दुलिल्लाह साथ खड़ा हुआ है हमारे। अच्छा शहजाद भाई, आप ये भी थोड़ा बता देंगे वैक्सीन कौन सी आपने लगवाई थी इसको? वैक्सीन पहले तो हमने इनकी वो लंपी वैक्स करवाई। और कितने टाइम पीरियड के साथ लंपी वैक्स करवाई है हमने, और उसके बाद जो ना ये डिजीज़ में आना शुरू हो गया वैक्सीन कराने के बाद, क्योंकि हमें बीमारी का पता नहीं था। वो बीमारी इनके आ चुकी थी, जब डॉक्टर आए वैक्सीन के लिए तो उन्होंने बोला ये आ चुका है लेकिन कवर हो जाएगा। तो फिर इनके साथ इनके कोर्स चले, जो एंटीबायोटिक कोर्स इनके होते हैं वो चले, उसके बाद ये कवर हुआ है। जी तो दोस्तों, ये इनका एक बछड़ा था जो डिजीज़ में आ गया था, और आपने देखा कि किस तरीके से रिकवर हो चुका है माशाल्लाह। तो अगर जिसको भी, अगर ये भी फॉर सेल के लिए रेडी है? जी फॉर सेल है, मगर ये पूरी तरीके से सेट हो जाएगा, इसके बाद ही हम किसी को देंगे। हाँ बिल्कुल, ईद पे ही देंगे इंशाल्लाह। ईद पे ही अब आपका इरादा है इसको सेल करने का? ठीक।